एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी वो हम पढ़ रहे थे। तो अभी का जो कंटेंट है वो एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं। अब ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ये एक्चुअली स्टैंडर्ड पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्या है, इट्स एक्चुअली अ स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या हुआ, एनाटॉमिकल पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ स्टैंडर्ड पोजीशन इन विच बॉडी इज इरेक्ट। बॉडी क्या होगी, सीधी होगी, ठीक है ना। फीट स्लाइटली अपार्ट, हमारे जो पांव होंगे वो क्या होंगे, स्लाइटली अपार्ट होंगे, ठीक है। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स हम हथेली को कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। थम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, हमारा जो थम है ना ये बॉडी से क्या होगा, अवे होगा, ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है ना। सिंपली अभी मैं, ठीक है ना, आप लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशन बना के दिखाऊंगा, सही है ना। अब ये जो पोजीशन है ना, दिस इज एक्चुअली एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या हुई, इट इज़ अ स्टैंडर्ड पोजीशन इन विच बॉडी इज इरेक्ट, ठीक है ना। फीट्स आर अपार्ट, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड थम्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ गए हो, किस तरह डिफाइन करोगे, वी कहेंगे कि डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन या राइट द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है ना। सिंपली कहोगे इट इज अ स्टैंडर्ड पोजीशन इन विच बॉडी इज इरेक्ट, ठीक है ना। फीट्स आर अपार्ट, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, एंड थम्स आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। सच पोजिशन इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजिशन, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं मेरी पोजिशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजिशन है, ठीक है ना। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, एनाटॉमिकल पोजिशन आर द स्टैंडर्ड पोजिशन इन विच द बॉडी इज स्टैंडिंग विद फीट टूगेदर, आर्म्स ऑफ द साइड, हेड्स, आईज एंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कहते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन है एनाटॉमिकल पोजिशंस की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट बॉडी पोजिशंस। हॉस्पिटल में जब आप क्लिनिकल में जाओगे तो वहाँ बेड के ऊपर पेशेंट जो है ना वो डिफरेंट पोजिशन में पड़ा होगा, या आपको कहा जाएगा कि पेशेंट को आप ये वाली पोजिशन दें। तो इसलिए आप लोगों को ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पोजिशंस के नेम का पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली जो पोजिशन है वो क्या है, सुपाइन पोजिशन। अब सुपाइन पोजिशन क्या होगी, सुपाइन पोजिशन ये होगी जब पेशेंट बेड के ऊपर, ठीक है ना, अपनी बैक हेड के थ्रू लेटा हुआ हो, ठीक है ना, और उसके क्या हो, फीट एंड आर्म्स क्या हो, स्ट्रेट हो, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है ना। अब पेशेंट क्या हो, अपनी बैक फीट्स और उसके थ्रू क्या हो, लेटा हो हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ बेड, सच पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। अब इस पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट का फेस पाम क्या होंगे, अपवर्ड होंगे, ठीक है ना। तो सुपाइन पोजीशन क्या हुई, सुपाइन ऐसी पोजीशन होगी जिसमें पेशेंट अपनी बैक, ठीक है ना, और अपने हेड के थ्रू बेड के ऊपर हॉरिजॉन्टली लेटा होगा, उसके फीट्स, ठीक है ना, या उसके पाम्स क्या होंगे, और उसका पाम और फेस क्या होंगे, अपवर्ड होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, सुपाइन पोजीशन। नॉर्मली आप हॉस्पिटल में जाते हो, बेड जो है ना, इस तरह बेड के ऊपर जो लेटा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन में क्या होगा, प्रोन पोजीशन इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ द सुपाइन पोजीशन। इसमें पेशेंट जो है ना वो अपने एब्डोमेन और चेस्ट के थ्रू बेड के ऊपर लेटा होता है, ठीक है ना, उसके पाम और फेस जो है ना वो डाउनवर्ड होते हैं टू द बेड्स, ठीक है ना। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन, ठीक है ना। थर्ड जो है ना वो क्या, लेटरल पोजीशन। अब लेटरल पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो है ना वो अपनी एक साइड पे लेटा होता है, पेशेंट क्या होता है, अपनी एक साइड पे लेटा होता है इस तरह बेड के ऊपर, ठीक है ना। अब ये लेटरल पोजीशन राइट लेटरल भी हो सकती है और लेफ्ट लेटरल भी हो सकती है। अगर वो अपने साइड राइट साइड के ऊपर लेटा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट लेटरल पोजीशन। अगर लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन,
सही है ना। अब जो थर्ड है वो क्या है, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन, ठीक है ना। अब ट्रेंडरबर्ग पोजीशन क्या है, देखो ट्रेंडरबर्ग पोजीशन में पेशेंट इज सुपाइन, मतलब ट्रेंडरबर्ग पोजीशन इज ए टाइप ऑफ सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। पेशेंट इज सुपाइन ऑन टेबल, पेशेंट जो है ना वो सुपाइन पोजीशन में होगा टेबल के ऊपर, ठीक है ना। देयर हेड्स डिक्लाइन बिलो देयर फीट, लेकिन इसमें होगा क्या, पेशेंट का जो हेड होगा वो पेशेंट के फीट से क्या होगा, 16 एंगल डाउन होगा। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये बेड है, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का बेड है, सही है। अब ट्रेंडरबर्ग पोजीशन में पेशेंट क्या होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा। पेशेंट तो किस पोजीशन में होगा, सुपाइन पोजीशन में है, लेकिन जो हेड है पेशेंट का, पेशेंट का जो हेड है ना, क्या होगा उसके फीट से 16 डिग्री क्या होगा, बिलो होगा, ठीक है ना। नॉर्मली इस तरह होता है, पेशेंट का जब बीपी डाउन होता है हॉस्पिटल में, अगर आईसीयू में किसी का ऐसा पेशेंट हो, जब पेशेंट का बीपी डाउन होता है ना, तो हम बेड को क्या करते हैं, इस तरह नीचे की तरफ टेढ़ा कर देते हैं, तो पेशेंट का हेड जो है ना वो नीचे चला जाता है, टांगे थोड़ी ऊपर आ जाती हैं, ठीक है ना। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन, ठीक है ना। या डिफरेंट एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान पेशेंट को ट्रेंडरबर्ग पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है ना। तो समझ आ गई है ट्रेंडरबर्ग पोजीशन क्या है, इसमें पेशेंट एक्चुअली बेड के ऊपर सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे क्या, पेशेंट के हेड को डाउन करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 16 डिग्री देन फीट्स, और ये पोजीशन मोस्टली एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान होती हैं, या पेशेंट का बीपी डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट के हेड को हम डाउन करते हैं और फीट को एलिवेट कर देते हैं, और पेशेंट होता सुपाइन पोजीशन में, ठीक है ना। क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट के बीपी जब कम होता है ना, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो हम उसका हेड जब डाउन करते हैं, ठीक है ना, तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हेड हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, सही है। अब जो लास्ट पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन मोस्टली पेशेंट को उस वक्त दी जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फीमेल्स को डिलीवरी के वक्त जो पोजीशन दी जाती है उसको क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है ना। लिथोटॉमी पोजीशन के बारे में क्या कहता है, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ सुपाइन पोजीशन। तो लिथोटॉमी पोजीशन भी सुपाइन पोजीशन की वेरिएशन है, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन भी सुपाइन पोजीशन की वेरिएशन है, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ सुपाइन पोजीशन इन विच हिप्स फ्लेक्स। अब हमारे ये जो हिप है ना, यहाँ पे क्या, हिप जॉइंट है, फ्लेक्स का मतलब है व्हेन देयर इज डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स एट जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन हम किसको कहते हैं, जब दो बोन्स के दरमियान जो जॉइंट है उस जॉइंट का एंगल जब इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन हम किसको कहेंगे, जब जॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। अब ट्रेंडर लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होगा, जो हिप जॉइंट है ना उसके दरमियान एंगल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हिप इस तरह होगी, पेशेंट बेड के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा लेकिन उसकी दोनों जो टांगे हैं वो इस तरह उठी होंगी, तो हिप के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, नीज फ्लेक्स। अब ये नीज है, ये नीज जॉइंट है, तो नीज के दरमियान फ्लेक्स का मतलब एंगल रिड्यूस हो जाएगा, सही है ना। थर्ड क्या कह रहा है, लेग एबडक्टेड। अब ये अलग टर्मिनोलॉजीज है, आगे हम इसके डिक्ट, एक होता है एबडक्टेड और एक होता है एडक्टेड। अब एडक्टेड हम किसको कहते हैं, जब बॉडी पार्ट्स जो है ना वो क्लोज आ जाए आपस में। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, आर्म है, ये मैंने क्या कर दिया है, एडक्ट कर दिया है, ये एबडक कर दिया है, ठीक है ना। एडक्ट का मतलब है टू मूव बॉडी पार्ट्स क्लोज टू द मीडियल लाइन, एडक्ट, एबडक्ट्स टू मूव अवे, ठीक है ना। इसी तरह अब लेग की जब मैं बात करूंगा अब, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या हो गया, एडक्ट हो गया, एड एडक्ट, और ये क्या हो गया, एबडक्ट। तो ये कह रहा है कि लेग्स क्या होंगे, एबडक्ट होंगे, मतलब टांगों के दरमियान थोड़ा फासला होगा, वो मीडियल लाइन से थोड़े अवे होंगे, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, लिथोटॉमी पोजीशन इज अ वेरिएशन ऑफ सुपाइन पोजीशन इन विच हिप्स फ्लेक्स, हिप्स जॉइंट्स आर फ्लेक्स, नीज फ्लेक्स एंड लेग्स एबडक्ट, ठीक है ना। इस
पोजीशन को हम क्या कहेंगे, लिथोटॉमी पोजीशन। और लिथोटॉमी पोजीशन मोस्टली पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देते हैं, सही है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस की हमने बात की और फिर हमने एनाटॉमिकल पोजीशंस की डेफिनेशन की बात की, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई कन्फ्यूजन, सही है ना। समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा एनाटॉमिकल पोजीशन की बात की, हमने कहा एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमन बॉडी क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है ना। उसके जो पाम्स हैं वो क्या होते हैं, फेस फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। उसके जो फीट हैं ये पार्ट्स होते हैं, और उसके जो थम्स हैं वो पॉइंट करते हैं, अवे करते हैं, ठीक है ना। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी डिफरेंट बॉडी पोजीशंस जो क्लिनिकल एरियाज में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। पेशेंट को डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट पोजीशन में रखते हैं, सही है। सबसे पहले हमने बात की थी सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में मैंने बताया था पेशेंट जो है ना अपने बैक, ठीक है ना, और क्या है, हेड के ऊपर लेटा हुआ होगा, उसका क्या होगा, पाम और फेस फॉरवर्ड करेंगे अपवर्ड, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। अब दूसरा क्या था, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ द सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। जब पेशेंट अपने एब्डोमेन और चेस्ट के ऊपर लेटा हो, ठीक है ना, उसका पाम क्या हो, फेस कर रहा हो क्या, डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड फेस कर रहा हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, और फेस भी क्या हो, डाउनवर्ड फेस कर रहा हो, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन। थर्ड जो है ना क्या, लेटरल पोजीशन। जब पेशेंट अपने राइट या लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ हो बेड के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल पोजीशन, ठीक है ना। और थर्ड जो है ना वो ट्रेंडरबर्ग पोजीशन। तो ट्रेंडरबर्ग पोजीशन मैंने कहा था इट्स अ टाइप ऑफ सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना, जिसमें पेशेंट के हेड को हम डिक्लाइन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली अप टू 16 डिग्री एंगल्स एज कम्पेयर टू फीट, ठीक है ना। उस पोजिशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंडरबर्ग पोजिशन, ठीक है ना। ये पोजिशन पेशेंट को मोस्टली हम एब्डोमिनल सर्जरी में देते हैं, या पेशेंट का सडन बीपी लो हो तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को ट्रेंडरबर्ग पोजिशन में लेके जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट जो है ना वो लिथोटॉमी पोजिशन है, ठीक है ना। अब लिथोटॉमी पोजिशन में इस तरह होता है, इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ वेरिएशन ऑफ सुपाइन पोजिशन इन विच हिप्स फ्लेक्स, ठीक है ना, नीज फ्लेक्स एंड लेग्स एबडक्स, ठीक है ना। तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, लिथोटॉमी पोजीशन कहेंगे, ठीक है ना। एक और पोजीशन बहुत कॉमनली यूज होती है, सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है ना, वो मैं भूल गया था, कौन सी पोजीशन, SEMI, सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है ना। सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होगा, ये, ठीक है ना, पेशेंट क्या हो, पेशेंट का हेड हम एलिवेट करते हैं कितना, 10 to 30 डिग्री, या सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट के हेड को अप टू 30 डिग्री हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल में देखा होगा जब पेशेंट लेटा होता है तो उसके हेड को हम वो रोल करके क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो पेशेंट उस पोजीशन में जब होगा तो पेशेंट को कहेंगे, पेशेंट कौन सी पोजीशन में, सेमी फाउलर पोजीशन में, ठीक है ना। सेमी फाउलर पोजीशन हम यूज़ करते हैं पेशेंट को एनजी के थ्रू फीट देते वक्त, या ओरली पेशेंट को हम फ्लूइड या कुछ भी दे रहे हो ना, पेशेंट को लाजमी आप लोगों ने सेमी फाउलर पोजीशन में लेके जाना है। अदरवाइज क्या होगा, जो खुराक जो फ्लूइड आप दोगे वो पेशेंट क्या करेगा, एस्पायरेट करेगा लंग्स में, जब लंग्स में ये चली फ्लूइड या फीट चली जाएंगी तो क्या करेंगे, एस्पायरेशन नमोनिया करेंगे, ठीक है ना, विचार जो क्या होगा, सीरियस होगा और पेशेंट को मजीद ख़राब करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या थी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पोजिशन थी, ठीक है ना।